अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, लेक्चर नंबर 35। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो, डेसिमल, बाइनरी एंड ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स आर पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम्स। टू कन्वर्ट binary, octal and hexadecimal number system to decimal number system, we just need to add the product of each digit with its positional value. It means कि हमें ये इस बारे में पता है कि हम decimal को जो है वो convert करते हैं binary, octal और hexadecimal के अंदर, और क्योंकि ये सब जो हैं ये positional value system, value number systems हैं, इनकी एक अपनी position है, एक अपनी ही value है नंबर सिस्टम को फाइंड करने की। कोई भी नंबर हो उसको कन्वर्ट किस तरह से करना है, ये सारा कुछ जो है ये हम करते हैं। जैसे कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, इस तरह से कन्वर्जन जो है वो होती रहती है। और हमें ज़रूरत पड़ती है इसके लिए कि हम हर जो डिजिट है उसका प्रोडक्ट लें और उसकी पोजिशन वैल्यू के साथ जो है वो उसको ऐड करते जाएँ। नेक्स्ट है, आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कैसे जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि डेसिमल जो है, अगर डेसिमल नंबर आ जाए तो उसको बाइनरी में कैसे शिफ्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड टू बाइनरी बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ द नंबर बाय टू व्हाइल रिकॉर्डिंग द रिमाइंडर। इसका मतलब ये है बेसिकली कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर एलसीएम लेते हैं, यानी कि डेसिमल को अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ पे 43 है, उसका एलसीएम लिया हुआ है, ये आप नीचे देख रहे होंगे 43 का एलसीएम लिया हुआ है, और देन ये रिमाइंडर जो हैं वो आ रहे हैं, और ये जो है ये जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गए डेसिमल नंबर सिस्टम। ये देखें नीचे लीस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ऊपर जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी कि लीस्ट से मोस्ट की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से जो है डेसिमल नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है, अब डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब हमें डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो हमें 8 से जो है वो एलसीएम लेना पड़ता है, यानी कि कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम का एलसीएम लेना हो तो वो 8 से लेते हैं, यानी कि अगर हमने बाइनरी में करना हो तो बाइनरी की जो बेस होती है वो होती है 2 और ऑक्टल की बेस होती है 8, और हमें 8 से जो है वो एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे कि देखें यहाँ पे 473 है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको कन्वर्ट किया है तो ये बन गया है 731, यानी कि 731 बन गया, ये बन गया है ऑक्टल में, हमने 8 से एलसीएम लिया, और इस तरह से जो रिमाइंडर्स आए हैं वो बन गए बेसिकली ऑक्टल नंबर सिस्टम, हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमने डेसिमल से अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, 16 से मल्टीप्लाई सॉरी एलसीएम लेना होता है, 16 से एलसीएम लेंगे उस डेसिमल नंबर का, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम हो सकता है, और देन आंसर जो है वो हमारा इस तरह से आएगा। जैसे कि देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, 16 को देखा है कि 16 के टेबल में 423 आता है, तो 16 के टेबल में 423 तो नहीं आता, बल्कि इससे छोटा नंबर थोड़ा आता है, और फिर 7 जो है वो रिमाइंडर रह जाता है, तो इसलिए ये 7 आ गया। उसके बाद 16 को देखा कि 16 के टेबल में 26 आता है, 16 के टेबल में 26 नहीं आता, तो हमने क्या किया, 16 वन टाइम्स 16, और बाकी जो 10 बचा 11 10 बचा वो जो है हमने रिमाइंडर आ गया, यानी कि यहाँ पर 10 जो था वो रिमाइंडर था। और आपको पता है कि 10 जो है वो किसकी किसका नंबर होता है, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 जो है वो ए की वैल्यू होती है बेसिकली, इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया है। उसके बाद सिक्सटीन जो है वो, अब देखें, अब 10 आ गया था, अब 10 तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 16 यहाँ पे 10 बच गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने ऐड किया तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि हमारा टोटल आंसर आएगा
1A7, यानी कि ये हमारी हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन हो गया, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया। एंड टुडे माय लेक्चर इज एंड। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।